Good morning, students. In this video, I told you about articles. What is article? Where we use a, an, or the to point out noun. कि हम noun को point out करने के लिए ये तीन word use करते हैं a, an, the. Noun तो आप लोग जानते हो ना students. What is noun? Noun is the name of a place, person. थिंग किसी भी चीज के नाम को हम नाउन बोलते हैं तो हियर वी यूज आर्टिकल्स टू पॉइंट आउट नाउन्स. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू वेयर वी यूज एन. एन इज यूज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वोवल साउंड. देयर आर फाइव वोवल्स ए ई आई ओ यू. स्टूडेंट्स ये फाइव वॉवल्स होते हैं. इनसे पहले हम हमेशा एन वर्ड यूज करते हैं. बाकी आपके अल्फाबेट में इन फाइव वर्ड इन फाइव को छोड़ के बाकी जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सब क्या है कॉन्सोनेंट्स. जैसे आप हिंदी में स्वर और व्यंजन करते हो ना कि जैसे अ आ ई तो ये क्या है स्वर. तो इनसे पहले हम क्या यूज करते हैं एन यूज करते हैं. और व्यंजन जैसे क से लेके ग तक इन्हें हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स. इनसे पहले हम क्या यूज करते हैं अ यूज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कीजिए. एन हम कहां यूज करेंगे वोवल से पहले ए ई आई ओ यू. कोई भी वर्ड जो इन वोवल्स से स्टार्ट होता है उनसे पहले हम एन यूज करते हैं. और कॉन्सोनेंट से पहले हम ए यूज करते हैं. अब नाउ द. द इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग पर्टिकुलर नाउन. द हम वहां यूज करते हैं जब हम किसी एक स्पेशल पर्सन के बारे में स्पेशल चीज के बारे में जिसको कि हम जानते हैं जो सिर्फ एक ही है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं द. नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स जैसे एन. एन वर्ड हम कहां यूज करते हैं मैंने बताया ना बेटा कि वोवल्स से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम एन वर्ड यूज करते हैं. लाइक एप्पल अ से स्टार्ट है ये एप्पल तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे एन. सेम इधर हमने क्या लिखा ईगल ई से स्टार्ट है ये भी वॉवल है तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे एन. इंक पॉट आई से स्टार्ट है तो हम क्या यूज करेंगे एन. इंक पॉट. ऑरेंज ओ से स्टार्ट है तो ये भी वॉवल है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे एन. अम्ब्रेला यू से स्टार्ट है तो ये भी वोवल है तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे एन. अब ये क्या है आर. अब आप देखो कि ये तो एच से स्टार्ट है एच तो वोवल नहीं होता लेकिन इसमें क्या है एच जो है वो साइलेंट है इसको हम क्या बोलते हैं आर एन आर तो इसलिए हम यहां पे एन वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी साउंड क्या आती है ओ की आती है आर. तो एच क्या है यहाँ पे साइलेंट है एच की आवाज हमें नहीं आती इसने बोलते हैं तो इसलिए हम इससे पहले एन वर्ड यूज करेंगे. अब है स्टूडेंट्स ए. अ हम किससे पहले यूज करेंगे मैंने बताया ना कॉन्सोनेंट से पहले जैसे कि लिखे बैग अ कैप अ मैन अ हैन अ बुक. तो इनसे पहले हमने क्या यूज किया अ. स्टूडेंट्स अ और एन यूज टू इंट्रोड्यूस अ सिंगुलर नाउन. देखो ये सिर्फ हम जो सिंगल एक चीज से पहले एक ही चीज को जो इंट्रोड्यूस करे उससे पहले हम अ और एन का यूज करते हैं. नाउ आई टेल यू वेयर वी यूज द. स्टूडेंट्स द हम कहां यूज करते हैं एक स्पेशल
पर्सन, स्पेशल कोई भी चीज जो एक ही हो, पर्टिकुलर एक चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां हम क्या यूज करते हैं, द। जैसे सन, अब सन तो एक ही है ना, द सन। द मून, अब मून भी एक ही है, द मून। आप जानते हो कि कौन से मून के बारे में बात कर रहे हैं हम, महात्मा गांधी, ये एक नेता का नाम है, तो एक का ही पर्सन का नाम है ना, तो क्या आएगा, द। गंगा, गंगा रिवर एक ही है, हम एक उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगा, द। द प्राइम मिनिस्टर, एक पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, यहां पे द आएगा। ऐसे एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये लिखा है दिस इज अ फ्लावर, ये एक फूल है, तो हमने यहाँ पे ये फ्लावर एक ही है, तो हमने यहाँ पे अ वर्ड यूज किया। फिर हम बोल रहे हैं इसी फ्लावर के बारे में, द फ्लावर इज रेड, जो फ्लावर है वो रेड कलर का है, रेड है। तो अब हम इसी फ्लावर जो हम जानते हैं पर्टिकुलर इसी फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, द। क्या लगाया है बच्चे, द। तो आपको ये आर्टिकल अब समझ में आ गया होगा, तो इसी से रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज करेंगे। हम ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनमें हम आर्टिकल फिल करेंगे, ए एंड और द। अब ये क्या लिखा है, बुक, एक बुक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ बुक, अ बुक, अ टेबल। अब इंक पॉट, ये आई वॉवल से स्टार्ट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन। एलिफेंट, ई वॉवल से स्टार्ट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन एलिफेंट। मून, अब मून क्या है, पर्टिकुलर एक ही चीज, एक ही है, ये हम एक स्पेशल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द। किंग, द किंग, कि हम एक राजा के बारे में बात कर रहे हैं। अभी है ऑनेस्ट मैन, अब यहां पे आप देखोगे स्टार्ट तो एच से है लेकिन ये साइलेंट है, इसको हम बोलते हैं ऑनेस्ट मैन, तो यहां भी हम लगाएंगे एन, एन ऑनेस्ट मैन। अब ये क्या है, आउ, ओ वॉवल है, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, एन। अ ट्रॉय, अ डियर, अ पेन। अम्ब्रेला, ये वॉवल से स्टार्ट है, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, एन अम्ब्रेला। तो स्टूडेंट्स, आपको फिर से एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ ये कि वॉवल्स में हम ये सॉरी आर्टिकल में हम अ एन और द का यूज करते हैं जो नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं और वॉवल से पहले हम एन लगाते हैं, और जब हम पर्टिकुलर एक ही चीज के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, द। सो स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। थैंक यू।